हेलो एंड वेलकम टू ए के डी स्टडी जोन तो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को जो हर बार जो है एच पी टेट और कमीशन के लिए आपसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है इसका जो चैप्टर नंबर वन है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है और इसी तरह के हम डेली के डेली थर्टी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे ठीक तो है तो सीरीज़ समझ लो कि आज से स्टार्ट है तो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है चैप्टर नंबर वन का द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन ग्रीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ तो इसका राइट right आंसर हमारे पास हो जाएगा माइंड एंड बिहेवियर तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट डैश देन क्वेश्चन अबाउट डैश तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर है वो है फैक्ट्स वैल्यूज तो देखो द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट तो यहाँ पर आपके पास फैक्ट्स आएगा द देन क्वेश्चन अबाउट तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन कोरोस्पॉन्ड टू डैश प्रोसेसिज तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू ड्रग एंड एक्टिविटी इन द ब्रेन इज वर्किंग ऑन द डैश लेवल ऑफ एक्सप्लनेशन तो एक्सप्लेनेशन यहां पर थोड़ा नीचे चला गया है तो इसका जो राइट right आंसर है वो है लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग वट मेक्स पीपल लाफ इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन द डैश लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है हाइयर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन दिस इज़ रेफर टू एज तो यहाँ पर जो आपका राइट right आंसर आएगा वो आएगा इंडिविजल डिफ्रेंसिज ठीक है is dash, dash is तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज टू नेचर एंड एज डैश इज़ टू नेच्योर तो यहाँ पर इस टाइप के आपको तीन चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आएगा वो आपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाना है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइट right आंसर है बायलजी इज़ द इज़ टू नेचर एज एक्सपीरियंस इज टू नेच्योर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टेबुलरस हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन शेपिंग बिहेवियर तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो राइट right आंसर है एक्सपीरियंस इन शेपिंग बिहेवियर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रीक फिलोसफर डैश बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग तो इसका जो राइट right आंसर आएगा द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब देखो दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन आया है डैश इज टू नेचर एज डैश इज टू नेचर तो यहाँ पर आपने आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है तो so, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है प्लेटो और एरिस्टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज द बिलीफ दैट द देट द मैन सॉरी दैट द माइंड इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्राम द बॉडी तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा dualism. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस वॉज कॉल्ड तो यहां पर आपके पास जो राइट right आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चरलिज्म तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which ऑफ द फॉलोइंग was मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द structuralist स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन टिंशनर वो आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास दिया डार्विन थ्योरी ऑफ डैश ऑग आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इवोल्व बिकॉज दे आर यूजफुल टू नेचुरल सिलेक्शन तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेचुरल सिलेक्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज टू एज डैश वाज़ टू फंक्शनलिज्म तो यहाँ पर आपका क्या वंट और जेम्स यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर वंट वाज़ द एज जेम्स वाज़ द फंक्शनलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन फ्रिय कैंपेन डैश डैश साइकोलॉजी तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइको डायनेमिक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव दैट इट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड तो यहाँ पर आपके पास जो बी ऑप्शन है बिहेवियरिज्म इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक शॉप बी एन एग्जाम्पल ऑफ तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा स्टिमुलस वेयर एज बींग फ्राइटेंड वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्योला वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर differences इन चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज पेरेंट्स शी इज मोस्ट लाइकली अ तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है डी ऑप्शन सोशल कल्चर साइकोलॉजिस्ट तो डी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे तो इसका राइट आंसर होगा सोशल कल्चर साइकोलॉजिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर इज टू डैश एज नेचर इज टू डैश अब देखो दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेचर इज टू जींस एंड एज ने टू एनवायरमेंट जिस तरह से ऑप्शन आपके पास दिएगा उस हिसाब से आपने इसका आंसर लगाना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लू रोल ऑफ डैश इन शेपिंग पीपल पर्सनैलिटी तो यहाँ पर जो आपका राइट right आंसर है वो है अनकॉन्शियस डिजायर तो ट्वेंटी टू का बी ऑप्शन आपका राइट right आंसर हो जाएगा अनकॉन्शियस डिजायर नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हैज इट्स रूट इन डैश तो यहाँ पर जो आपके पास है वो सी ऑप्शन है फंक्शनलिज्म इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर हैज मल्टीपल कॉजेज मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर है वो मल्टीपल कॉजे के ऊपर डिपेंड करता है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज तो इसका राइट right आंसर आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन इट वॉज टू सब्जेक्टिव इसी तरह से हम हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के लेके आएंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए जो इंग्लिश के चले उनको कवर कर लेते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर टर्म ऑफ फॉर इनफोर्समेंट इज तो इसका जो सही आंसर है वो है रिवार्ड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट एशियन कल्चर्स टेंस टू बी more oriented towards dash, while western culture tends to be more oriented towards. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो गया है ठीक है कल्चर्स के बाद टेंस टू बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स है तो यहां पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा कलेक्टिविज्म और इंडुवेलिज्म यानी कि ईस्टर्न ईस्ट एशियन कल्चर टेंस टू तो बी मोर ओरिएंटेड टू कलेक्टिविज्म, कोलेक्टिविज्म वाइल वेस्टर्न कल्चर टेंस टू मोर ओरिएंटेड टू वर्ड तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन वाट्सन एंड स्कीनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो यहाँ पर जो आपके पास राइट right आंसर है वो है बिहेवियरिज्म डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनलिटी तो सॉरी इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ ओन कंफर्मिटी तो यहाँ पर जो आपके पास राइट right आंसर है वो है सोशल तो इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चन है साइकोलॉजी के ठीक है जो थर्टी क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के कम्प्लीट किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम हिंदी के भी कुछ साइकोलॉजी के जो एम हैं उनको भी लेके आपके पास आएंगे तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन एकदम से, एक से मिलती रही क्योंकि अब डेली के डेली हमने जो है वो दिसंबर टैट आने वाला है और शायद कमीशन भी बीच में निकल सकता है तो उसमें हम इनके जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय